आगे में हम तो सही चक्कर में रहेंगे। जीवन के हैं तीन पहलू। अच्छा, अरे जीवन के हैं तीन पहलू। अच्छा, जवानी बचपन और बुढ़ापा। ओ बचपन मैंने खेल में बिताया, खेल में बिताया, खेल में बिताया। जवानी मैंने मस्ती में काटी, मस्ती में काटी, मस्ती में काटी। वो बुढ़ापे में आ गई दवाई, आ गई दवाई, आ गई दवाई। सुनो आओ भाइयों, आओ भाइयों, सुनो रे भाई, सुनो रे भाई, सुनो रे भाई, सुनो रे भाई। 18 का होते ही मिली बाइक और फोन, एक चीज और मिली थी दारू। क्या मेरे भाई, क्या मेरे भाई, वोट डालने का अधिकार। क्या मैंने उसे सही तरीके से किया इस्तेमाल। सुनो रे भाई, 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 सुनो रे भाई। अरे तुम सबको पता है कोई बड़े नेताजी आने वाले हैं? हाँ, मुझे भी लगा बड़े नेताजी आ रहे हैं, आज पर शहर में बहुत चहल पहल है। अरे आए होंगे वो सामने। अरे तुम समझो उसका मतलब। क्या मतलब? अरे यानी कि चुनाव आने वाले हैं, हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व। यानी ये नेता फिर से वही पुराने लगे। वही बात है जिसने हमसे वोट लाने की बात की थी, और पानी लाने की बातें की थी, और गरीबी बेरोजगारी हटाने की बात की थी, 24 घंटे बिजली बचाने की बात की थी, वो भी हर घर में। मेरे हिसाब से ये वो बातें पूरे ही नहीं कर पाए। चलो इस बात देखते हैं हमारे नेता क्या कर सकते हैं। चलो सुनो रे भाई, 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 वोट की बारी, सुनो रे भाई, वोट की बारी, वोट की बारी। नेताजी नेताजी जिंदाबाद, वोट छोड़ नेताजी, वोट छोड़ नेताजी, नेताजी जिंदाबाद। नमस्कार भाई और बहनों, मैं आपके क्षेत्र का प्रत्याशी, कृपया मुझे ही वोट दीजिए। मैं आपके क्षेत्र में पक्की सड़कें बनवाऊंगा। कौन सी सड़कें नेताजी? वो जो बह गई। मैं आपके क्षेत्र से पूरी गरीबी और बेरोजगारी हटा दूंगा। अरे नेताजी गरीबी हटाओगे, गरीबों को हटाओगे? कृपया आपका बहुमूल्य वोट मुझे ही दीजिए। मैं आपकी सारी पूरी पूरी उम्मीदें आपकी पूरी करूंगा मैं। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, वोट छोड़ नेताजी, वोट छोड़। वोट देने जाना है, वोट देने जाना है, वोट देने जाना है, वोट देने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, वोट देने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। पब्लिक की ताकत को आप सबको दिखाना है, पब्लिक की ताकत को आप सबको दिखाना है, वोट देने जाना है, वोट लेने जाना है। अब इतिहास को दोबारा दोहराएंगे, आप इतिहास को दोबारा दोहराएंगे, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। वोट देने जाना है, वोट देने जाएंगे, वोट देने जाना है, वोट देने जाएंगे। इस बार मतदान 100% तक पहुंचाएंगे, इस बार मतदान 100% तक पहुंचाएंगे। खुशियों के दीप जलाएंगे, खुशियों के दीप जलाएंगे, वोट देने जाना है, वोट देने जाएंगे, वोट देने जाना है, वोट देने जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए,
क्योंकि मैं आपकी करियर में बात कर रही हूँ। सर बताइए सर, मैं आपके पास जॉब पे आया हूँ। सर ये रही मेरी फाइल। ओह काफी अच्छा, आपने सारी डिग्री फोर डिविजन से पास की है, आपने बी ए भी किया है और एम भी किया है, आप काफी टैलेंटेड एक्टर हो। हेलो नेता जी प्रणाम। अच्छा वो आपके बेटे हैं? हाँ देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। नेता जी फोन आएगा आपके पास? हाँ आप बैठिए, आप नेता जी के बेटे हैं। मैं अभी आपका पढ़ने लेटर आता हूँ और आज से ही आप अपनी जॉब ज्वाइन कर लेंगे। सर मेरी जॉब? कौन सी जॉब? सर ऐसा मत कीजिए सर, सर मैं काफी गरीब हूँ सर, बेरोजगार हूँ, सोचते तो मैं आपके पास जॉब के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे पास ना कोई सिफारिश है, खाली मैं उठा के आ जाते हूँ, चलो जाओ। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपना कीमती वोट इन जैसे नेताओं पे व्यर्थ किया, अब मैं हर साल अपना वोट दूंगा और सेठ काशी का चयन करूंगा। सुनो रे भाई, सुनो रे भाई, सुनो रे भाई, अब भाई मेरे वोट की बारी, वोट की बारी, वोट की बारी, सुनो रे भाई, सुनो रे भाई, अब भाई मेरे वोट की बारी, वोट की बारी, वोट की बारी। पब्लिक का टाइम आएगा आएगा, बहुत समय बाद आएगा मतदान के बाद, एक दो पार्टियों की नहीं है ये बात, अब फैसले की घड़ी आई है हाथ। 11 अप्रैल को करो वोट कास्ट, वोट कास्ट, वोट कास्ट, हम भारतीयों का चाहिएगा बड़ा बोलकास्ट, हर नारी नहीं नारी काफी अधिकार, वोट कास्ट, वोट कास्ट। थैंक यू।